छत्तीसगढ़ में अचानक बदले मौसम के बाद कई इलाकों में सुबह से ही बारिश हो रही है। बारिश के चलते तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं बारिश के बाद प्रदेश के कई इलाकों में सुबह के समय घना कोहरा छाया दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग ने बताया कि पेंड्रा और अंबिकापुर इलाके में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मिजाज बदलने के बाद पेंड्रा इलाके में पारा 6 डिग्री और अमरकंटक में पारा 4 डिग्री तक पहुँच चुका है। प्रदेश भर में पिछले 24 घंटे से रुक रुक कर बारिश कुछ जगहों पर हो रही है। बारिश के चलते लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश के मैदानी इलाके राजधानी रायपुर सहित महासमुंद और धमतरी सहित कई जिलों में सुबह भी बारिश हुई। अभी भी कई जिले में ठंडी हवाओं के साथ रुक रुक कर बारिश हो रही है। रायपुर मौसम विभाग के विज्ञानी आर.के. वैश्य से मिली जानकारी के मुताबिक इस सीजन में सबसे ज़्यादा पश्चिमी विक्षोभ का असर होता है, जिसके कारण कड़ाके की ठंड पड़ रही है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के कारण यह स्थिति दिखाई दे रही है। शुक्रवार को मौसम साफ होगा, लेकिन शनिवार को दोबारा बारिश होने का अंदेशा भी लगाया गया है। पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग तापमान 13 से 14 डिग्री रहा। वहीं राजधानी रायपुर में तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। आज मौसम में जो है मध्य छत्तीसगढ़ या साउथ छत्तीसगढ़ में एक दो स्थानों पर बूंदाबांदी होने की संभावना है, और आने वाले दिनों में कल जो है मौसम थोड़ा खुल जाएगा और परसों से फिर से 2-3 डिग्री टेम्परेचर में गिरावट आएगी, यानी ठंड फिर से पड़ेगी। एक पश्चिमी विक्षोभ जो है गुजर रहा है, जिसके प्रभाव से छत्तीसगढ़ में स्थिति हुई है, और छत्तीसगढ़ में कई स्थानों पर बूंदाबांदी हुई है और कई बहुत ज्यादा बारिश हुई है। करीब मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ में जो है कई स्थान ऐसे हैं जहां की 6-7 सेंटीमीटर भी बारिश हुई है, और सबसे मिनिमम टेम्परेचर जो है अंबिकापुर में था 12.7 और लगभग 15-16 के आसपास सभी जगह पूरे छत्तीसगढ़ का मिनिमम टेम्परेचर है। रायपुर का 16.5 है। आने वाले एक दिन के बाद कल परसों जो है टेम्परेचर में 2-3 डिग्री की गिरावट आई। मौसम विभाग ने कोई अलर्ट जारी नहीं किया है, लेकिन आने वाले दिनों में और अधिक तापमान गिरने से ठंड की संभावना जताई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, देश टीवी। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। न्यू वी अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। देश टीवी, वी रिपोर्ट, यू डिसाइड।